सरकारी मालमत्ता चोरी करने वाले को सजा होगी और सरकारी मालमत्ता चोरी करने वाले को बैकअप देने वाले महानगर पालिका अधिकारियों की ऊपर कार्यवाही होगी क्या? ये मेरा सवाल है आयुक्त से। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूँ यूसुफ अली, आप लाइव। आइए नजर डालते आज की खास तौर पर। दोस्तों, अगर किसी काम को हम अपने पूरे लगन से करते हैं तो उसमें सफलता जरूर मिलती है और इसका नमूना है ये बाबला का बस स्टॉप, जिसको लेकर मैंने कई मुश्किलें सहते हुए कई फॉलो अप किए। 28 अगस्त को ये बस स्टॉप पहली बार मेरी नजर में आया था कि गायब हुआ है। उसके बाद मैंने शिकायत की, फिर सितंबर में लगा, अक्टूबर, आज 2-2.5 महीना करीब हो चुका है। लेकिन आज बस स्टॉप का एक खोया हुआ पार्ट अभी भी नहीं मिला, लेकिन ये पत्रा इसको लगने के लिए आया है। यहाँ अभी ये लोग महानगर पालिका के कॉन्ट्रेक्टर के अपने इनके कामगार यहाँ बैठे हुए, अभी इसको फिटिंग करने वाले। ये पूरा मेरा फॉलो अप था, मैंने पहले दिन से इसके लिए फॉलो अप किया। महानगर पालिका में बहुत कुछ सहा, पर्दे के पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है, लेकिन फिर भी ये आज जीता जाता सबूत है कि मैंने काम करवा के लिया, मैं अपने किसी काम से पीछे हटता नहीं हूँ। तो ये महानगर पालिका आज यहाँ पे लगा रही है, उसके बाद भी अभी भी महानगर पालिका का काम अधूरा है और मैं उसको छोड़ने वाला नहीं। जिसने इस बस स्टॉप को हार्न किया था, जिसने इस बस स्टॉप को यहाँ से हिलाया था, क्या महानगर पालिका ने उसके खिलाफ गुनाह दाखिल किया? क्या सरकारी मालमत्ता चोरी करने वाले को सजा होगी और सरकारी मालमत्ता चोरी करने वाले को बैकअप देने वाले महानगर पालिका अधिकारियों की ऊपर कार्यवाही होगी क्या? ये मेरा सवाल है आयुक्त से। वसई विरार महानगर पालिका परिवहन समिति जो है, उनको चाहिए कि इस पर लक्ष्य दे। तो ये सीधा साधा सीधी सी बात है, आज 2 महीने बाद पब्लिक की चीज अपनी जगह पर आई है, खुशी की बात है। लेकिन पब्लिक प्रॉपर्टी को जिस किसी ने पब्लिक प्रॉपर्टी को हार्म किया था, पब्लिक प्रॉपर्टी की चोरी की थी, उसके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए। ये मेरी मांग आज भी है, पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। मैंने मुख्यमंत्री महोदय तक को पत्र लिखा है और मैं इसके पीछे हटने वाला नहीं हूँ। महानगर पालिका ये सुन ले, कान खोलकर सुन ले, मैं पीछे हटने वाला नहीं। इतना ही कहना चाहूंगा अभी के लिए, इतना ही, नमस्कार। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।